हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की सातवीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 26वां चैप्टर पांडवों और कौरवों के सेनापति। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं हस्तिनापुर से उपलब्ध वापस लौट आते हैं, और जो कुछ हुआ हस्तिनापुर में, उनसे क्या बातचीत हुई कौरवों से, वो सारा कुछ हाल जो था वो पांडवों को आके सुनाते हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब युद्ध होने वाला है, तो वो अपने भाइयों से कहते हैं कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, सेना है वो सुसज्जित कर लेनी चाहिए, अब सेना को सुसज्जित कर लो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। मतलब जो सैनिक हैं उनको इस तरह से लगाओ कोई उसके अंदर घुस जाए घेरे में तो बाहर ना निकल सके, मतलब इस तरह की अपनी सेना लगा लो। तो उसको कहते हैं व्यूह रचना, चक्र व्यूह। तो पांडवों की विशाल सेना को अब क्या किया गया, सात हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चकितान, भीमसेन, ये जो सात महारथी थे वो इन सात दलों के नायक बने। तो जो पांडवों की विशाल सेना थी उनको सात हिस्सों में बांटा गया, और जो द्रुपद थे, विराट थे, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चकितान, भीमसेन, ये जो सात महारथी थे वो इन सात दलों के नायक बने। अब प्रश्न ये उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। तो सबकी राय ली गई कि किसको सेनापति बनाया जाए। तो अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु वो कहते हैं अर्जुन की जो राय है मुझे हर दृष्टि में ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। तो उनका कहना था अर्जुन का कि दृष्टद्युम्न को ही क्या किया जाए, सारी जो सेना है उनका नायक बना दिया जाए। तो वीर कुमार दृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बना दिया गया, उसका विधिवत फिर अभिषेक किया गया। तो अपने कोलाहल से दिशाओं को गूंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। अब क्या हुआ, युद्ध की तैयारियां हो गई, सेनापति जो है वो चुन लिया गया। अब शोर मचाते हुए चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था सभी दिशाओं में, और जो पांडवों की सेना होती है वो मैदान में पहुंच जाती है। उधर क्या होता है, कौरवों की सेना के जो नायक होते हैं वो बनाए जाते हैं भीष्म पितामह। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो कहते हैं कि युद्ध का संचालन करके मैं अपना जो कर्ज है वो अवश्य चुका दूंगा। तो उनका कहना था कि युद्ध की जब घोषणा की गई थी तो मेरी सहमति किसी ने नहीं ली थी, इसी वजह से मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर मैं क्या करूँगा, स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं जो कर है वो तुम लोगों का बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, और शुरू से ही वो मेरी बातों का विरोध करता रहा है। मेरी जो बात होती है उसमें उसकी कभी भी सहमति नहीं होती है, वो हमेशा विरोध में खड़ा हो जाता है। तो अच्छा हो अगर वो सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो जो भीष्म पितामह थे उनको कर्ण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कर्ण का जो दंड व्यवहार था भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। तो जो कर्ण था उसने भी जिद पकड़ ली थी कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा रहेंगे तब तक वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, और भीष्म के मारे जाने के बाद ही वो युद्ध के मैदान में जाएगा और केवल अर्जुन को मारेगा, बाकी पांडु पुत्रों को नहीं मारेगा। तो दुर्योधन ने भी सब कुछ सोच समझकर जो भीष्म पितामह थे उनकी शर्त मान ली थी, उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो कर्ण था वो युद्ध के मैदान से, युद्ध से व्रत रहा, अलग रहा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि भीष्म पितामह के जीवित जीते जी वो युद्ध के मैदान में नहीं जाएगा, युद्ध नहीं करेगा। अब क्या होता है, जो भीष्म पितामह थे उनके नेतृत्व में जो कौरव सेना थी वो समुद्र की भांति लहरें मारती हुई, मतलब समुद्र की तरह जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में, उस तरह से ही क्या हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चल दी। इधर युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उधर एक रोज क्या होता है, जो बलराम होते हैं पांडवों की छावनी में अचानक से पहुंच जाते हैं। तो जो बलराम जी होते हैं वो अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो जो विराट राज थे, द्रुपद राज थे, उनको वो नमस्कार करते हैं, और जो युधिष्ठिर थे धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं मैंने कितनी बार श्री कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक ही समान है, एक से ही हैं,
चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, हम दोनों को ही एक समान मानते हैं। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन के प्रति इनका बहुत अधिक स्नेह है और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। तो वो कहते हैं कि जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊँ, मतलब जिस तरफ कृष्ण भगवान जी होते हैं उसके विपक्ष में तो मैं जा ही नहीं सकता, दूसरी तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं फिर कि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे क्या किया है, गदा युद्ध सीखा है और दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। तो दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों को ही मैं एक जैसा प्यार करता हूँ। तो इन दोनों कुरुवंशियों को यूँ आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। तो वो यही कहते हैं कि दोनों मेरे शिष्य हैं, दोनों को मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ और दोनों ही इस तरह से लड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अब संसार से भ्राग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं नहीं देख सकता, मुझे संसार से क्या हो गया है, भ्राग हो गया है, अब मुझे कोई मोह माया ये सब मुझ में नहीं रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। तो युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे। तो युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो राजा थे जो कि युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, और जो ये थे, एक तो थे बलराम और दूसरे थे भोजकट के राजा रुक्मी। तो रुक्मी की जो छोटी बहन थी रुक्मणी, वो श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौरी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया। तो कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का जो समाचार सुना रुक्मी ने, तो एक अक्षौरी सेना लेकर, हाथी घोड़े सब ऊँट वगैरह लेकर वो युद्ध के मैदान में आ गया। तो उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक होगा। तो वो यही सोचता है कि यह अच्छा अवसर है, जब उन्हें श्री कृष्ण की जो मित्रता है वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो पांडवों के पास पहुँचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है। तो वो पांडवों के पास पहुंचता है जो रुक्मी होता है, और कहता है कि आपकी सेना कम है और जो शत्रु सेना है उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। तो यह सुनकर जो अर्जुन होते हैं वो हंसते हैं और रुक्मी से कहते हैं कि राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आपकी कोई शर्त नहीं है तो हम आपका स्वागत करते हैं, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। तो यह सुनकर जो रुक्मी होता है बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और अपनी जो सेना होती है उसको लेकर दुर्योधन के पास चला जाता है। तो रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं। तो वो क्या कहता है, दुर्योधन के पास जाकर, जो पांडव हैं वो तो मेरी मदद नहीं चाहते, इसी वजह से मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। तो पांडवों ने उसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। तो पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर जो दुर्योधन होता है वो भी जो रुक्मी की सहायता है उसको ठुकरा देता है। तो जो दुर्योधन होता है वो यही कहता है कि पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, उसकी सहायता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और यह कहकर जो दुर्योधन होता है वो भी रुक्मी की सहायता को ठुकरा देता है। अब बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट जाता है। तो रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित हुआ। तो जो रुक्मी था कोई कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वहाँ नहीं गया था बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित होकर वापस लौट आया। तो फिर क्या होता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएँ लीं। तो उन दिनों यही रिवाज था कि जो युद्ध के नियम है उस तरह से युद्ध किया जाए। तो उन दोनों की जो रीति थी उसके अनुसार दोनों पक्ष के जो वीर थे उन्होंने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएँ ली कि वो युद्ध की जो नीतियाँ हैं उसके अनुसार ही युद्ध करेंगे। फिर कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठा रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूचीमुख सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। तो कौरवों की जो सेना थी उन्होंने क्या किया था,
चक्रव्यूह बना रखा था, व्यूह की रचना की थी। जो युधिष्ठिर होते हैं वो अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, एक जगह सब वीरों को इकट्ठा करना होगा, फिर लड़ना होगा। अतः सेना को सूचीमुख, सुई की नोक के समान हमें क्या करना होगा, व्यूह में सज्जित करना होगा, जो चक्रव्यूह है उसमें लगाना होगा। तो इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएँ क्या हुई, दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। तो अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए जो वीर थे उनको देखा, तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण को प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्वविख्यात है। तो सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो जो अर्जुन थे उनके मन में शंका होती है, संदेह उत्पन्न हो जाता है कि हाय हम ये क्या करने जा रहे हैं, हम अपने भाई बंधुओं से ही लड़ने जा रहे हैं। तो उसने अपनी जो ये शंका थी वो श्री कृष्ण को प्रकट की, उनके सामने रखी। तो जो अर्जुन थे उनके भ्रम को दूर करने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उपदेश देते हैं कर्म करने का, जो कि विश्वविख्यात है, कि सबको पता है कि उन्होंने क्या उपदेश दिया था। तो सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक क्या होता है, पांडव सेना के बीच हलचल मच जाती है। देखते क्या है कि जो युधिष्ठिर है उन्होंने अपना कवच है, धनुष बाण है, वो उतार कर रथ पर रख दिया, और रथ से उतर कर हाथ जोड़े हुए कौरव सेना की जो हथियारबंद पंक्तियाँ थीं, हथियारों से लैस जो पंक्तियाँ थीं उनको चीरते हुए वो भीष्म की ओर पैदल चल दिए। उनको इस प्रकार जाता हुआ देखकर दोनों ही पक्ष वाले कौरव और जो पांडव थे वो अचंभे में पड़ जाते हैं। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि इनको क्या हो गया, अचानक क्यों चल दिए ये। तो जो अर्जुन होते हैं वो भी तुरंत रथ से कूद जाते हैं, युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस जाते हैं। दूसरे पांडव और जो कृष्ण थे वो भी उनके साथ हो लेते हैं, वो भी उनके साथ चल देते हैं। इतने में जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं अर्जुन से कि मैं समझ गया कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनकी क्या इच्छा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना ठीक नहीं समझते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा लेना चाहते, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते, तो उनका जो उद्देश्य है वो अच्छा है। तो शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए जो युधिष्ठिर थे वो क्या करते हैं, सीधे भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं और झुककर उनके पैर छूते हैं। फिर वो कहते हैं कि पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं, हमने आपके साथ लड़ने का जो साहस किया है हमें नहीं करना चाहिए, तो हमने ये तो कर ही लिया है, तो कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो कहते हैं बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे पता था कि तुम आओगे, मुझसे आशीर्वाद लोगे, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश हूँ कि मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ हूँ और कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि युद्ध में तुम्हारी विजय हो। वो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो युधिष्ठिर होते हैं वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और परिक्रमा करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। मैं हालांकि चाहता नहीं हूँ कि मैं उनका साथ दूँ, लेकिन मैं विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि तुम्हारी जीत हो। तो आचार्य द्रोण से आशीर्वाद लेकर जो युधिष्ठिर होते हैं वो आचार्य कृप और जो मद्रराज शल्य थे उनके पास जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं और सेना में वापस लौट आते हैं। अब क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। तो पहले बड़े योद्धाओं में युद्ध होने लगता है, तो बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगते हैं, एक तरफ कौरव की सेना दूसरी तरफ पांडवों की सेना, और जो बड़े बड़े योद्धा थे वो दो दो की जोड़ी में लड़ने लगते हैं। तो अर्जुन के साथ जो थे वो भीष्म थे, सात्यकी के साथ कृतवर्मा थे, अभिमन्यु के साथ बृहतपाल थे, और भीमसेन जो थे वो द्रोधन से लड़ रहे थे। तो युधिष्ठिर जो थे वो शल्य के साथ लड़ने लगते हैं। तो जो धृष्टद्युम्न थे उन्होंने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर क्या किया, हमला बोल दिया। और इसी प्रकार प्रत्येक वीर
युद्ध धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने लगा। तो भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म जो थे वो आहत हुए, उनको चोट लगी और फिर द्रोणाचार्य जो थे वो सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब घायल हो गए तो कर्ण को सेनापति बनाया गया। 17वें दिन की लड़ाई में जो कर्ण थे उनका भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया और इस प्रकार जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन तक चला। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह से युद्ध जो था वो प्रारंभ हुआ और कितने दिन तक चला। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।